एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ईएफएम में क्या है कि ईएमएफ है, एक बैटरी है एक ईएमएफ है। तो एक बैटरी की एफिशिएंसी क्या होती है, उसकी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट में वो क्या देती है, वोल्टेज वी, और इनपुट में क्या होता है ई। तो पावर क्या है इनपुट में, ई इन टू आई, क्योंकि इनपुट का मतलब क्या होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ईएमएफ ई होती है लेकिन देती वो वी है। तो इनपुट पावर ई आई और आउटपुट पावर वी आई, तो यहां से क्या आएगा वी बाय आई, वी बाय ई। अब वी क्या होता है ऐसे केस में, वी इज इक्वल टू आई इन टू कैपिटल आर, और करंट क्या होता है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ई आ गया। तो यहां पे ई और वी को पुट किया आंसर, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। किसी भी बैटरी की एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट करो, किसी भी बैटरी की एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसको समझते हैं।